अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका परभनी अपडेट न्यूज परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेजबान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन डालते हैं आज की सबसे अहम खबर पर नजर। नाजरीन, जैसा कि आज पूरे परभनी शहर में एक अफवाह हो गई थी कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट यहां पर मिला है, लेकिन कई पेशेंट मिलने की अफवाह हुई थी, लेकिन सिर्फ एक पेशेंट ऐसा है जो पॉजिटिव, जिसकी रिपोर्ट आई है। एक महिला है जो 50 साल की उम्र है इनकी, वो मुंबई से यहां पर आए थे और उनके साथ में जो दूसरे लोग थे उनमें से सिर्फ इन एक 50 साल जो खातून है उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और एक ही पेशेंट यहां पर मिला है। तो कुल मिलाकर नाजरीन महाराष्ट्र के अंदर और परभनी जिले के अंदर अगर हम देखें तो परभनी में तादाद 4 हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की, जिंतूर में 3 और परभनी में 1, और ये चारों भी पेशेंट बाहर यानी मुंबई से परभनी जिले में दाखिल हुए थे। तो हालात उतने भी ज्यादा खराब नहीं है और इसी को मद्देनजर रखते हुए परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने आज अपने आदेश में और हमसे बातचीत की उन्होंने, और उन्होंने बताया है कि कल परभनी में जो लॉकडाउन में जो छूट थी वो ऐसे ही कायम रहेगी, 7 से 2 बजे के टाइम जो है वो वैसे ही रहेगा और किसी किस्म का कोई भी कर्फ्यू संचार बंदी नहीं लगाई जाएगी। तो नाजरीन आप रखिए ख्याल अपना और अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज।